दोस्तों, कभी कभी आपका फोन अचानक से पानी में गिर जाता है या आप उस पर गलती से पानी गिरा देते हैं और आप सोचते हैं कि अब आपका फोन कभी काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने भीगे हुए फोन को बचा सकते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में स्मार्टफोन या मोबाइल के भीगने का डर सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भीगे हुए स्मार्टफोन को कैसे सुखाएं या कैसे बचाएं, इसके बारे में पूरी टिप्स देने वाला हूं। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप भीगे हुए या पानी में गिरे हुए मोबाइल को कैसे बचा सकते हैं या कैसे सुखा सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जितना जल्दी हो सके फोन को पानी से बाहर निकालें, क्योंकि दोस्तों फोन जितना देर पानी में रहेगा उसको उतना ही खराब होने का चांस बढ़ जाएगा। और दोस्तों, फोन को पानी से बाहर निकालते ही उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दें। दोस्तों, फिर अपने भीगे हुए मोबाइल से बैटरी, सिम कार्ड या उसमें लगे मेमोरी कार्ड को अलग कर दें या उससे जितने भी एक्सेसरी जुड़े हैं उसको निकाल दें। और दोस्तों, अपने फोन के बैटरी, स्क्रीन कवर को सॉफ्ट तरीके से तौलिए से पोंछ लें। और हो सके तो दोस्तों वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, इससे आपके फोन से एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा वो भी निकल जाएगा। दोस्तों, इतना करने के बाद अब आप अपने भीगे हुए फोन को किसी एक ऐसे चीज में रखें जिसमें हवा न जाती हो, जैसे कि किसी एयर टाइट डब्बे में या किसी पैकेट में, और उसमें चावल या सिल्का जेल भरते हैं। यह आपके फोन के अतिरिक्त पानी या नमी को सुखाने में मदद करेंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद अब आप अपने भीगे हुए फोन को उस डब्बे से निकालकर धूप में तौलिए के ऊपर रख दें, जिससे कि उस फोन में मौजूद छोटे छोटे जगह से भी पानी निकल जाए या सूख जाए। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद अब आप अपने फोन को टेस्ट करें, अपने फोन का स्विच ऑन करें और देखें कि आपका फोन चल रहा है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल पूरा सूखने के बाद भी नहीं चल रहा है तो उसे बिना बैटरी के चार्ज करें। और दोस्तों, अगर आपके फोन में जो है बैटरी इनबिल्ट है, बैटरी नहीं निकाल सकते हैं, तो उसे जो है ऑफ स्थिति में ही चार्ज करें। दोस्तों, इतना करने के बाद अगर आपका मोबाइल फिर भी ना चले तो उसे किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को दिखाएं, कभी कभी वह भी इसे ठीक कर देते हैं। और दोस्तों, मोबाइल ठीक हो जाने के बाद प्रोटेक्टिव कवर का इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि पानी में भीगे मोबाइल के साथ क्या ना करें। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल गलती से पानी में गिर जाता है तो पानी से निकालने के तुरंत बाद मोबाइल को ना चलाएं, इससे मोबाइल के अंदर के पार्ट जो है डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम गीले मोबाइल या भीगे हुए मोबाइल को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का प्रयोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मोबाइल बाहर से तो सूख जाएगा लेकिन अंदर से नहीं सूखेगा, और दोस्तों ज्यादा हीट होने की वजह से आपका मोबाइल डैमेज भी हो सकता है। तो कभी भी गीले मोबाइल या भीगे हुए मोबाइल को हेयर ड्रायर से नहीं सुखाना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम अपने गीले मोबाइल फोन या भीगे मोबाइल फोन को सुखाने के लिए उसे ज्यादा चार्ज करते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा चार्ज करने से फोन गर्म होगा और उसके अंदर की नमी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके मोबाइल की बाहर की नमी तो चली जाएगी लेकिन अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसकी नमी बनी रहती है और आपका फोन डैमेज भी हो सकता है। तो कभी भी अपने गीले मोबाइल फोन या भीगे हुए मोबाइल फोन को फुल चार्ज करके सुखाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, कभी भी गीले मोबाइल या भीगे मोबाइल के पार्ट्स को निकालकर खुद उसे ठीक करने की कोशिश ना करें, ऐसा करने से आपके मोबाइल के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं और आपका फोन हमेशा के लिए डेड हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका फोन अचानक से पानी में गिर जाता है या भीग जाता है तो उसको सुखाने के लिए आपको क्या क्या टिप्स अपनाने चाहिए। और दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आपका फोन अचानक से पानी में गिर जाए तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका फोन खराब होने से बच सके। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अगर अचानक से अपने फोन को पानी में गिरा देते हैं या बारिश की वजह से उनका फोन भीग जाता है तो ये आसान सा टिप्स अपनाकर अपने फोन को बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर की सबसे बड़ी दिखाई देगी, वहां पर क्लिक करके देवजी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसको क्लिक कीजिए और उस पर जो है ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आने वाली वीडियो को भी आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप जहां भी रहें देखते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।